क्या हाल है ड्रेविड एगेंस? ड्रेविड एगेंस, जैसा आप सभी ने मिलकर डिसाइड किया था कि सितंबर के मंथ के मंथली गिव में आपको चाहिए एक स्पीकर, तो यहाँ पे दोस्तों आज हमारे पास है एमआई के पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे दोस्तों इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और साउंड क्वालिटी देखेंगे दोस्तों इसकी कैसी होने वाली है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और आपको नहीं पता है कि कैसे हमारे मंथली गिव में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं अमेजिंग सा स्पीकर। तो दोस्तों आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ड्रेवी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं MI के पोर्टेबल स्पीकर के बारे में। तो यहाँ पे बॉक्स पे दोस्तों अगर आप देखेंगे 16 वोट का आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा, ट्रू वायरलेस स्टीरियो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर आपके पास दो स्पीकर हैं आप आपस में उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उन्हें स्टीरियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्यूअल इक्वलाइजर मोड देखने के लिए मिलता है। 13 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। IPX7 रेटिंग के साथ ये मिलता है, यानी वाटर एंड डस्ट प्रूफ ये रहने वाला है। बिल्ट इन माइक्रोफोन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दैट्स प्रीटी मच इट ऑन द बॉक्स। अगर हम यहाँ पे अंदर देखिए तो इसके लिए हमें करनी पड़ी अनबॉक्सिंग, तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों अनबॉक्सिंग के बाद जो बॉक्स से सबसे पहली चीज बाहर आती है वो आती है ये। अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पे दोस्तों इसमें कुछ आपको बुकलेट्स मिलने वाली है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे यूज़र मैनुअल आपको देखने के लिए मिलता है और ये आपको दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग केबल मिलती है। जी हाँ दोस्तों, टाइप सी चार्जिंग केबल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है कि इसमें दोस्तों ये प्यारा सा एकदम बहुत ही कॉम्पैक्ट सा दोस्तों ये आपको मिलने वाला है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा हैवी ये डेफिनेटली आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में, इसकी बॉडी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी रिजिड डिज़ाइन के साथ ही आपको देखने के लिए मिलता है, काफ़ी रफ एंड टफ दोस्तों क्वालिटी इसकी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों ये आपको IPX रेटिंग 7 के साथ देखने के लिए मिलता है, मतलब ये वाटर प्रूफ रहने वाला है। मतलब अगर आप पूल पार्टी वगैरह करते हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मैं स्पेशली कहूँगा दोस्तों अगर इसके बटन्स पे आप नज़र डालेंगे तो काफ़ी प्रीमियम सी फील यहाँ पे आती है। इसमें दोस्तों सबसे पहला बटन आपको पावर बटन मिलता है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन और अप बटन देखने के लिए मिल जाएगा। प्ले एंड पोज बटन यहाँ पे दिया गया, ब्लूटूथ बटन यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे दोस्तों ट्रू वायरलेस स्टूडियो का बटन यहाँ पे दिया गया। मतलब यार यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे दो स्पीकर हैं, एक यहाँ पे रख दीजिए एक इधर रख दीजिए, दोनों को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके दोस्तों दोनों को यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रू वायरलेस स्टूडियो में, मतलब ये स्टूडियो की तरह काम करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इसके पोर्ट्स पे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये दो पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 3.5 mm हेडफोन जैक और USB टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब चेक कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसी देखने में लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने डिवाइस के साथ। तो कनेक्ट करना है बहुत ही सिंपल दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले ये पावर बटन को करना पड़ेगा प्रेस। तो यहाँ पावर ऑन होते ही दोस्तों यहाँ पे आपके स्मार्टफोन में इसका नाम आ जाएगा, आपको कर देना उस पर टैप। और जैसे ही दोस्तों आप ये टैप करेंगे आपका जो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये डिवाइस, अब ये पेयरिंग हो चुकी है। चलिए यहाँ पे जल्दी से इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। वाओ, इसकी आवाज़ तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगी। जो सेंसेशन मैंने फील की वो आपको भी ट्राई कराया मैंने आप फील कराने का। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया था तो आपने देखी होगी वो वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी मुझे लगी। मतलब अगर आप हाउस पार्टी करते हैं या रूम पार्टी करते हैं तो ये तहलका मचाने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये मत समझना कि आप गली में इसको लगा के एकदम DJ बना दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई हाउस पार्टी करते हैं तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है दोस्तों, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब यहाँ पे कोई आपको साउंड फटने वगैरह की आवाज नहीं आने वाली, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी अमेजिंग डिवाइस मुझे ये देखने में लगा। अगर आप इसके बॉक्स की बात करेंगे तो इसके बॉक्स में दोस्तों आपको प्राइस देखने के लिए मिलता है 3499 रुपीज। यहाँ दोस्तों 3499 रुपये यहाँ पे आपको बॉक्स पे प्राइस दिया गया। लेकिन दोस्तों इसका प्राइस जो एक्चुअली वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल रहा है वो 2499 रुपये में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2499 रुपये में डिवाइस आपका हो जाएगा। काफ़ी अच्छा साउंड है दोस्तों इसका, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब ओवरऑल दोस्तों 2500 रुपीज़ वर्थ है।
काफी अच्छा डिवाइस और साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं गिव अवे की। जैसा आपको पता है दोस्तों, ये आपको मिलने जा रहा है गिव अवे में। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जो पहले से हमारे साथ कनेक्टेड है उनको पता है, जो नए कनेक्ट हुए हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहना है, उन पे लाइक शेयर कमेंट करना है। अगर आप ट्विटर पे हैं तो रीट्वीट कीजिए, आप यूट्यूब पे आइए दोस्तों उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लाइक कीजिए और स्टेटस पे शेयर कीजिए। जिसकी जितनी ज़्यादा कमिटमेंट, जिसकी जितनी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, उसके उतने ज़्यादा चांसेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक नोट करने वाली बात ध्यान रखना कि यार जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स है ना दोस्तों, तीनों प्लेटफॉर्म्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर, सब पे प्लीज एक नाम रखना ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। वरना क्या होगा कि आप तीनों पे कमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो यहां पे दोस्तों एट द एंड ऑफ द मंथ आपका नाम डिसाइड नहीं हुआ तो आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे और मैं बहुत डिसअपॉइंट होगा जब मुझे बाद में पता चलेगा। तो यहां पे मेक श्योर कि आपका एक नाम हो सारे प्लेटफॉर्म्स पे, आप डेली एक्टिव रहें, एक दिन बैठ के सारी वीडियोस ना देखें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे कि सारी वीडियोस पे बस कमेंट करते जा रहे हैं, उन्हें देख नहीं रहे, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका चैनल है ट्रेवी टैग दोस्तों, यहाँ पे YouTube उसको प्रमोट करना कम कर देगा। जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो देखें तो पूरी देखें, कोई सिर्फ कमेंट करने के लिए ना बैठे, लाइक करने के लिए ना बैठे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईजिली हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसने सिर्फ कमेंट किया है, किसने सिर्फ लाइक किया है। तो यहाँ पे डेली आपको एक्टिव रहना है हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया और आपका इंस्टाग्राम हो गया, तीनों पे एक्टिव रहेंगे। और ये नहीं करना है कि खाली गिव अवे वाली वीडियो पे लाइक किया, मुझे दे दो, ये कर दो, नहीं, आपको हर एक वीडियोस हमारी देखनी है, जितनी भी वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ सारी देखनी है, उन पे कमेंट करना है, आपको स्पेशली बताना है कि आपको उस वीडियो में अच्छा क्या लगा। तो दोस्तों यहाँ पे गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट हम करेंगे सेप्टेम्बर के एंड में। जी हाँ दोस्तों, मंथ एंड में यानी 30th of September को यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी कौन विनर होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो शुरू हो जाइए, जितनी ज्यादा कमिटमेंट उतने हाई चांसेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।